मोटर क्लेम दावा कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश गोविंद वल्लभ शर्मा, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, मोटर क्लेम दावा के पीठासीन अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने विधिवत पूजा पाठ करके फीता काटकर तथा शिलापट्ट का अनावरण करके किया। इस अवसर पर जिला जज गोविंद वल्लभ ने कहा कि नया कार्यालय बन जाने से आम जन को आने में सुविधा होगी और आसानी से वादकारी एवं अधिवक्ता कार्य कर सकेंगे। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा कि जनपद गोरखपुर में न्यायालय प्रशासन, जिला प्रशासन तथा बार एसोसिएशन का आपस में बेहतर समन्वय है, जो कहीं अन्य जगह नहीं है, जिसका परिणाम है कि हम सभी मिलकर कठिन से कठिन कार्यों को आसानी से कर लेते हैं। इस मौके पर आरटीओ अनीता सिंह, आरटीओ प्रशासन डीडी मिश्रा, बार एसोसिएशन के मंत्री अजय शुक्ला सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यालय का संचालन एडवोकेट अनुज अस्थाना ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मोटर क्लेम दावा के पीठासीन अधिकारी वीरेंद्र कुमार और जनपद न्यायाधीश गोविंद वल्लभ शर्मा ने कहा, सुगम यामानो मनोहर शुभमी पद्म कर्णो सुड्याम देवा पद्म पस्मृते स्थिरे गवय तुष्टै से मै देवी तम जराय संविद सत्मिन्द सर्दो यंत देवाय तन जक्का चक्कम तनुरा द्योदा पे सती पतन संतमायम ओम देव शांति वनस्पते शांति विश्व शांति व शांति सदान देव ओम विश्वान देव सवितर दुर्ता नव गृह उद्घाटन आदोग निशामिकी सबसे धन्यवाद तो सर आज कम से कम बात क्या तो इस समय में लॉकडाउन में आप लोग कितने परेशानी में हैं वो भी मैं जानता हूँ। मैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा आपका वो परिवार के सदस्य के रूप से मैं काम करता हूँ, वो आपका मैं कहीं ना कहीं एक शुभ चिंतक के रूप से मैं काम करता हूँ। और इसी का जो आपने तब पीड़ा लेके आए थे तब वो पूरा स्थापित हो गए, सारे हो गया, फिर आपने प्रैक्टिकली बहुत सारे चीज़ बताए ताकि यहाँ जो आने वाले बहुत लोग विधवा होते हैं, वैसे विकलांग होते हैं, वैसे गरीब लोग होते हैं, वो हर जगह कोने कोने में भटक नहीं सकते हैं। और ये भी ऐसे संवेदनशील मामला है, मान लीजिए किसी घर का मुखिया गुजर गया है, वो परिवार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है, वो परिवार कैसे कैसे गुजरते हैं। ये इसके बाद फिर अब ये सभी लोग मिलने के बाद फिर जिला जज साहब से हम लोग राय लिए, जिला सर साहब हमेशा तो हम लोग का सहयोग करते रहते हैं इस पर, तो टेक्निकल बिंदु दो तीन था उस पर जिला जज साहब ही ने वहाँ बात करके वो सारे निस्तारण किए। पीटीए बिल्डिंग करीब 2 साल पुरानी है, उसको रेनोवेट किए, उसका बजट का इशू था, बजट मंगाया और आज आपके सामने एक अच्छा जो एक है एक भवन है वो आपका कोर्ट के लिए उपलब्ध है, उसके सामने पार्क भी है और सारा सुविधा है। ये जो इसका यदि आप बता देंगे कहाँ आना है तो सीधे पहुँच जाता आदमी। वैसे ही आपका आप गोरखपुर में कितने कितने जो वैसे भी तो और भी स्थापना करना है, वैसे आपका ट्रिब्यूनल है, आपका लैंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वो बनाना है, उसको भी वो ज़मीन दी है और आगे फैमिली कोर्ट है जो भी है, और आगे आपका जो कोर्ट बंदा 24 कोर्ट अब बस लगभग तो फिनिशिंग स्टेज पे है, ये आ जाएगा तो फिर आप लोगों जो तमाम जो डिमांड है वो भी तो अब पूरा हो जाएगा। हमेशा यहाँ बाहर बेंच का हमेशा पॉजिटिव एक रिलेशन रहा है, उसी का फ़ायदा हम लोग को मिला है, और तभी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज आते हैं वो तारीफ करके जाते हैं, ये तो अच्छा रिलेशन है दोनों लोग का,
वो डीजे साहब का और हमारा, और हमारा डीजे साहब का आपस में और डीजे साहब का आपका आपस में, यानी ये रिलेशन बहुत मुश्किल से किसी जनपद में देखने के लिए मिलता है। इसी की वजह परिणाम है आप लोगों के जो कितने कितने समस्या पूरा हाल होते जा रही है। मैं चाहता हूँ आगे भी ऐसे ही हम लोग परिवार के तौर पर काम करें, बहुत सी समस्या का हल करेंगे। और ये बस एक ही अपील है, आप थोड़ा कोरोना काल में थोड़ा बच के रहिएगा, ताकि ये है ये थोड़ा फिलहाल मैं आपको भी मजबूरी जानता हूँ, ताकि आपका क्लाइंट आता तो बता देता साहब ये तो कोर्ट में फलाना तारीख है पेशिया में करना ही है, आपको मजबूरन जाना पड़ता है बहुत सारे चीज़, बट प्रिकॉशन लीजिए, बिना मास्क के कहीं मत जाइए, भीड़भाड़ इलाका में मत जाइए, हाथ बार बार धो लीजिए, 2 गज का दूरी, ये तीनों मंत्र आप भूलेंगे तो फिर मुश्किल होता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ, हमें जो कोरोना के खिलाफ लड़ने में सहयोग करें, हम सब मिलकर 2-3 महीने में इसको निपटा देंगे, बाकी चीज़ हम साथ ही रहेंगे, अब बाकी जो समस्या हम बैठ के हल करेंगे। जय हिंद। कार्य करने के लिए वो थोड़ा कठिनाई पड़ गया था, लेकिन व्यवस्था ये रही थी उस दौरान हमारे आरडीओ साहब की, उससे बढ़िया कोई जगह उस स्थान पर नहीं थी, ये जगह भी घिर गई थी, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं, आप ये सोचते थे कि टीचर्स को ही सारी पावर है, तो जहाँ कुछ करना चाहिए मेरा ही खराब करते थे, तो मैं भाई से लिखता था भाई मेरे अलग विभाग है मैं क्या करूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश ये की कि माननीय उच्च न्यायालय से दिशा निर्देश प्राप्त किया, उन्होंने बताया कि भाई लोकल स्तर पर आप कुछ करिए इसके लिए, तो मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि अंतिम में ये आप देखते हैं कि जो है पीएम जो है मिनी मुख्यमंत्री होता है भाई, हर विभाग उनके अंदर आता है, मैंने जो है जो थोड़ा सा प्रेशर देना शुरू किया, तो डीएम साहब बड़े सहज स्वभाव के आदमी हैं, भाई न्यायपालिका की इज्जत करते हैं और हमारी तो बहुत ही इज्जत थी, और उनकी बड़ी कृपा हुई कि आप लोगों ने मेरे पर दबाव डाला, मैंने इन पर दबाव डाला तो उन्होंने मेरा दबाव मान लिया, और चूंकि पावर है भाई रात रात में उन्होंने 12.5 लाख रुपये रात ही रात मंगा के आपका काम शुरू करा के, बस देखो तो पेट बचा था, बहुत युद्ध स्तर पर बढ़ा दिया उसको, खराब दिया, बड़ा अच्छी जगह ढूंढी है उन्होंने, और मैं समझता हूँ सिविल लाइन का इलाका है, इतनी बढ़िया सुंदर जगह है, न तो मेरी कचहरी है, न उत्तर प्रदेश में कोई कचहरी, देखो आगे देखो सब सिविल लाइन इलाका है, 2 लाख रुपये गज की ज़मीन है, ये तो इनका विशाल दिल है, करोड़ों रुपये की ज़मीन जो है एमएससीटी के लिए इन्होंने फट से दे दी, मैं चाहूँगा इतना सुंदर बनवाया इन्होंने, मेरा मन कर रहा है कि भाई थोड़ी और बैठूँ। मोटर एक्सीडेंट क्लेम टर्मिनल का ये भवन बन चुका है और इसको शिफ्ट करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त हो चुका है। हमारे पीठासीन अधिकारी श्री विजेंद्र साहब जज साहब आज मौजूद हैं, ये कल से मेरा ऐसा अनुमान है, वैसे तो ये जाने ये इसके मालिक हैं कि ये शायद कल से बैठना इसमें शुरू करें, शिफ्ट करें, लेकिन कल की परसों 2-3 दिन की छुट्टी है, 4 तारीख को खुलेगा, अब ये इनके ऊपर है, इसका जुरिडिक्शन मुझे नहीं है, ये यही बता पाएंगे, थोड़ा इनकी तरफ माइक कर दें तो ये बताएँ कब बैठेंगे। जैसे मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा हाई कोर्ट का, मैं शिफ्ट कर जाऊँगा इसके अंदर।